बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं पानी फुल्की, जिसके लिए मैंने लिया बेसन छना हुआ है बिल्कुल, और इसके अंदर हम डालेंगे सोडा बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है, इतना सा सोडा जाएगा बस। ये देखिए इतनी हल्दी जाएगी इसके अंदर, ये कुटी हुई लाल मिर्च, हंसबे जाकर थोड़ी सी और डाल देती हूँ, सही है, हंसबे जायका, नमक आप कम ज्यादा अपने पास से कर सकते हो। ये फुल्की का बैटर बनाया मैंने, सबसे पहले हम इसको 5 मिनट के लिए छोड़ के रख देंगे, हम इसको तैयार कर लेते हैं अच्छी तरीके से, इसको मिक्स करते हैं। हमको बहुत अच्छी तरीके से इसका बैटर तैयार करना है, ये जैसा जैसा पतला टाइप का, मगर हमें इसमें फेंटना है, तो देखिए हमें अच्छे से इसको बहुत अच्छी तरीके से फेंटना है, इसका अच्छा सा बैटर तैयार हो जाए। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हो चुका है, अब मैं रख दूँगी इसको साइड में। ये देखिए मैंने इमली ली हुई थी, इसको मैंने खूब अच्छी तरीके से फेंट कर भिगो कर धो लिया था, पहले इमली को धो के फिर इसका अच्छा सा बैटर तैयार करके मैं इसको, अब हम इसका पानी तैयार करते हैं, ठीक है। हम इसके अंदर ये डालेंगे, ये लिया हुआ छिला हुआ अदरक लहसुन, फ्रेश बिल्कुल ना, लहसुन है और अदरक, इसको मैं डाल दूंगी जग में। फुल्कियों का पानी बना रहे हैं। हाँ, फुल्कियों का पानी है ये। अब इसके अंदर जाएगी हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, आप चाहो तो कम ज्यादा कर सकते हैं, मैंने एक ली है, ठीक है। ये है काला नमक पिसावा मेरे पास, मैं 1/2 टेबल स्पून लूंगी पिसावा काला नमक। ये मैंने सफ़ेद जीरे को भून के कूटा है, 1/2 स्पून ये डाल दूंगी, ये भी कम ज़्यादा कर सकते हो आप अपने पास से, और ये कुटी हुई लाल मिर्च हंसबे जायका, मैं इसमें हरी भी गई है तो इसमें 1/2 स्पून डाल दूँ, क्योंकि काले नमक में भी नमक होता है, फिर हम रेगुलर नमक भी इसमें ऐड कर रहे हैं हंसबे जायका, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो उसको भी, क्योंकि काले नमक भी नमक होता है इसके अंदर। अब मैं डालूंगी थोड़ा सा इतना हरा धनिया, और डालूंगी पुदीना, अच्छा खासा पुदीना ले लिया। अब मैं इसके अंदर डालूंगी पानी खूब सारा, ठीक है ना, इतना सारा पानी डाला, बहुत सारा, एक जग पानी डाल दिया, लेकिन मैं पीस के आपको बताती हूँ। ये देखिए जी पानी ग्राइंडर हो चुका है, मैं इसके अंदर ये सारा पानी डाल दूँ, बहुत जम वाला फ्लेवर आ रहा है माशाल्लाह से, और ये ऐसे के दिन चल रहे, प्लीज़ केयरफुल रहिएगा, और बच्चों को बाहर की चीज़ें अवॉइड करिएगा, कोशिश करें जो उनको मांग रहे हो तो आप उनको घर में आप उनको दो बना के ना। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा ये मिनरल वाटर पानी थोड़ा सा और ऐड करूँगी, बस बजायेगा, इसके बाद भी हैं आप देख लो कि अगर आपको कम ज़्यादा नमक या मिर्चें लगती हैं तो आप इसमें बाद में भी ऐड कर सकते हो, मैं चख के बताती हूँ। बिल्कुल सही है, ज़बरदस्त वाला, बहुत ज़बरदस्त वाला, बिल्कुल यम फ्लेवर आ चुका है। अब हम जाते हैं पकौड़ों की तरफ। चलें जी, अब ये रेडी हो चुका है हमारा तेल, हमने पहले से गर्म के लिए रख दिया था, ये जो हमने बेसन का बैटर बनाया था इसके अंदर ना मैंने कोई ऑयल डाला है, और एक चुटकी सिर्फ खाने का सोडा डाला, आप भी कोशिश करना कि एक चुटकी डालो। ये 2 मिनट बाद इसको चमचे से पलट के देखिएगा क्या पोजीशन है इसकी, फौरी डालने के साथ ही चमचा नहीं हिलाना है, और फिर ये बिल्कुल केयरफुल होके आराम से ये फुल्कियाँ तैयार हो जाएंगी, बिल्कुल आराम से। हमने थोड़ी देर इसको छोड़ दिया था, फिर 2 मिनट बाद मैंने फिर इसको मूव करना शुरू किया, बहुत यम वाला फ्लेवर आ रहा है, खुशबू जबरदस्त। ये देखिए जी कितना अच्छा सा कलर आ चुका है, जो हमें कलर चाहिए था ये हो गए हैं। अब मैं इसको निकालूंगी, ये सारे आ जाओ भाई, ये हो गए। अब मैं डायरेक्ट ही जो हमने पानी बनाया था पानी, तो उसमें हम ये डाल देंगे, ठीक है, ये डायरेक्ट इसी पानी में हमने छोड़ दिया। ये देखिए जी सारी फ्राई हो गई फुल्कियाँ, मैंने इस पानी में डाल दिया। अब मैं डालूंगी इसके अंदर पुदीना, इसको हाथ से ऐसे तोड़ तोड़ के थोड़ा सा पुदीना डाल दूंगी,
ऐसी छुरी से नहीं, हाथ से ऐसी क्रश करके ऐसे डाल दूंगी। अब ये है मेरे पास हरा धनिया, इसको भी हाथ से ऐसी बस इसकी डंडी समेत हाथ से ऐसी तोड़ के इसको डाल दूंगी। कोई छुरी से मैंने इसको कट नहीं किया, ऐसे साबुत साबुत। ठीक है, अब है हमारे पास लच्छेदार प्याज। इतनी सारी प्याज है, आप इसको भी कम ज़्यादा कर सकते हो। अब ये डालेंगे हम लच्छे वाली प्याज खूब सारी, आप इसको कम भी कर सकते हो, मैंने बहुत ज़्यादा डाली है। ज़बरदस्त खुशबू आ रही है भाई। थोड़ा सा इसको ऐसे हिला दूंगी, भले तुम्हारे मुँह में पानी आ रहा है। अच्छी जी, चलिए जी, ये हो गए हैं बिल्कुल रेडी। अब मैं आपको थोड़ा सा ट्राई करके दिखाती हूँ, ठीक है। थोड़े से बल्ले लेते हैं, थोड़ा सा इसमें लेते हैं, मैं अपने लिए निकालती हूँ और मैं आपको थोड़ा सा चक्के बताती हूँ। पानी गया और ये देखें बहुत ज़बरदस्त, और ये देखें ये कितने सॉफ्ट हो गए हैं, ये देखें कितने ज़बरदस्त हुए हैं, देख रहे हैं। मेरे रेसिपी को बिल्कुल फॉलो कीजिएगा, आपके भी इसी तरह ही ज़बरदस्त बनेंगे। ये देखें कोई बीच में गट क्या कहते हैं उसको, गुटली वुटली कुछ भी नहीं है, कितने सॉफ्ट और कितने नरम बनेंगे देखें। ये देखें मैंने तीनों आपको तोड़ के दिखा दिए, बाकी सारे माशाल्लाह से ऐसे बनेंगे। मैं चक्के भी बता देती हूँ, मेरी रेसिपी को जरूर फॉलो कीजिएगा, जरूर जरूर आपको जरूर बहुत बाजार वाला फ्लेवर मिलेगा। क्योंकि बाजार के इसलिए नहीं बच्चों को कर रही हूँ क्योंकि मक्खियों का सीजन है, और जितनी फ्रेश चीज हम अपने हाथों से बच्चे को बना के देंगे ना, वो तो शायद ही कहीं मिलेगी। इसके अंदर जितनी भी मैंने मसाले ऐड किए ना, आप यकीन नहीं करोगे, काश आप लोग होते मैं आपको खिला सकती, इतना यम फ्लेवर आ रहा है ना। घर में भी हम हर चीज़ बना सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ज़रूर ज़रूर ट्राई करके देखिएगा मेरी रेसिपी को, जिस तरह मैंने किया आप भी वही मुझे फॉलो करना, तो आपका भी बहुत ज़बरदस्त। देखिए मैं आपको इसमें से भी दिखा देती हूँ, ये देखें कितना हुआ, कैसे ज़बरदस्त से फुल्की हुई, देख रहे हैं। ऐसे ज़रूर मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। और मैं तो खा रही हूँ भाई, बहुत ज़बरदस्त वाला, दोबारा से बहुत पसंद आया मुझे। अब सब मैं बच्चों को घर में बना के देती हूँ, ये बहुत मज़े के लगते हैं। ज़रूर मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, मुझे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आप भी ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा अगर आपके कैसे बनते हैं पानी फुल्की। अल्लाह हाफिज़।